रंग बरसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में और आपके साथ में हूँ प्रदीप तरमूला। उत्तराखंड अपनी संस्कृति और त्योहार के लिए देश दुनिया में प्रसिद्ध है। यह हर त्योहार को एक अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। ऐसा ही एक त्योहार होली भी है, जिस त्योहार को यहाँ पर रंगों के साथ साथ रागों के साथ भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की होली में क्या है खास। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व होली यूं तो पूरे देश में ही मनाई जाती है, लेकिन भारत में कुछ खास जगहों की होली विश्व प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में यह एक विशेष अंदाज में मनाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध बरसाने की होली की तरह ही एक अन्य क्षेत्र जहां की होली भी विश्व प्रसिद्ध मानी जाती है, यह विशेष क्षेत्र है देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड में होली का त्योहार बसंत ऋतु के आगमन के साथ ही शुरू हो जाता है। देवभूमि की कुमावनी होली काफी प्रसिद्ध है, जो कई तरह से मनाई जाती है। रंग बरसे। होली का नाम सुनते ही मन में रंग ही रंग भर जाते हैं और गुजियों की खुशबू आने लगती है। कुमाऊं में होली का एक विशेष महत्व है, जो उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। कुमाऊंनी होली एक ऐसी परंपरा है जो आज प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी काफी लोकप्रिय हो चुकी है। ब्रज मंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रज मंडल देश दिखाओ रसिया, ब्रज मंडल देश दिखाओ रसिया। पौष का महीना आते ही कुमाऊंनी परिवारों के आंगन में बैठ के होली से इस पर्व की शुरुआत होती है। हर घर में महिलाओं का उल्लास, उमंग और पारंपरिक गीतों की मधुर ध्वनि मन को सुकून देती है। यही वजह है कि इस पर्व को उत्तराखंड के बाहर भी पसंद किया जा रहा है। देखिए, जो कुमाऊनी होली होती है ये कई होली से बहुत पहले शुरू हो जाती है, तो ये एक एक करके लोग अपने घरों में इसको बैठकी होली भी बोलते हैं, खड़ी होली भी, इसमें दोनों तरीके मनाई जाती है, जिसमें जेंट्स और लेडीज दोनों होते हैं। तो इसको प्यार का एक मिलन का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें हम अपनी दुश्मनी वगैरह भूल के प्यार से लोग गले मिलते हैं, टीका लगाते हैं, गाने गाते हैं, डांस करते हैं और सारे भेदभाव को मिटा के मतलब प्यार का ये एक प्रतीक माना गया है। तो होली मिलन समारोह ये घर घर में बैठ के, बैठकी होली मतलब एक तरीके से ये बैठकी होली और खड़ी होली दोनों होती है इसमें। तो इसमें महिलाएं अपने अपने मतलब होलियाँ गाती हैं, जैसे जल कैसे भरूं, कुछ खड़ी होली होती हैं, कुछ बैठी होली होती हैं, और उसके बाद आशीर्वाद दिया जाता है, फिर नाच गाने होते हैं। सभी महिलाएं अच्छे से घर से उल्लास के साथ गाना गाती हैं। देखिए, जो हमारी ये उत्तराखंड की पारंपरिक जो एक परंपरा है, जो हमारे लोक पर्व होते हैं, तो उत्तराखंड की देवभूमि की जनता इसको बड़े हर्षोल्लास से अपना मनाती हैं और इसमें एक संदेश देती है कि हम जनमानस जो हैं अपने सुख दुख में एक साथ जुड़ करके रहें, अपना सुख एक दूसरे से बांटें, अपना दुख एक दूसरे से बांटें और सामूहिक तौर पर अपनी परंपरा को बचा कर रखें। यही उत्तराखंड की सांस्कृतिक और ये होली, दीपावली जो भी हमारी परंपराएं आती हैं, इसको बड़े हद से उल्लास से महिलाएँ हो गई, पुरुष हो गए, सभी अपने बड़े हर्षोल्लास से मनाती हैं। खड़ी होली में जेंट्स और लेडीज़ दोनों खड़े होके गाने गाते हैं, उत्तराखंडी कुमाऊनी गाने गाते हैं और झोड़ा टाइप में इसको बोलते हैं, जो गोल सर्कल में इसमें डांस किया जाता है। और बैठकी होली के बारे में, बैठकी होली में जो ये चल रही है अभी, तो बैठकी होली में औरतें बैठ के गाना गाती हैं, हाँ, मंजीरा, ढोलक, हाँ, इसमें गाना गाती हैं। थैंक यू। रंग बरसे। कुमाऊं की खड़ी होली रंग वाली होली के कुछ दिनों पहले शुरू हो जाती है, जिसमें गांव के पुरुषों एवं बच्चों की टोली घर घर जाकर होली के उत्तराखंडी लोकगीत गाते हैं, जिसमें उत्तराखंड के पारंपरिक वेशभूषा का इस्तेमाल किया जाता है। पुरुषों द्वारा सफेद कुर्ता, पहाड़ी टोपी और चूड़ीदार पैजामा पहना जाता है। पहाड़ी ढोल दमों के साथ होली के गीतों से पूरा माहौल संगीतमय हो जाता है। कुमाऊं में होली के दिनों में इस तरह की होली हर जगह देखने को मिल जाती है, जो लोगों को खुशी में झूमने पर मजबूर कर देती है। रंग बरसे। कुमाऊं की बैठकी होली बसंत पंचमी वाले दिन से शुरू हो जाती है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है,
कि यह होली एक जगह बैठकर मनाई जाती है। इसमें बैठकर महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा होली गायन होता है। ढोलक, मंजीरी, चिमटा इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। बड़े शहरों में इस बैठ की होली का खासा उत्साह देखने को मिलता है। साथ ही कई महिलाएं अपनी कविताएं भी इस दौरान पेश करती हैं। ऐसे ही होली पर एक कविता कवियत्री कविता बिष्ट ने लिखी है। ये रंगों का मौसम है, ये रंगों का मौसम है, ये फागुन की फुहार है। ये रंगों का मौसम है, ये फागुन की फुहार है। ये ठंडी ठंडी पुरवैया ये अपनों का प्यार है। ये ठंडी ठंडी पुरवैया ये अपनों का प्यार है। दिल से दिल मिल गए होली के रंग में, दिल से दिल मिल गए होली के रंग में। ये होली की खुमारी है या प्रीत की सरकार है, ये होली की खुमारी है या प्रीत की सरकार है। रंग बरसे कुमाऊं की बैठ की होली की तरह ही महिला होली भी होती है। कीर्तन भजन के जैसे ही बहुत सारी महिलाएं एक जगह बैठकर होली पर्व का लोक गायन करती है, जो कि होली के दिन तक जारी रहता है। होली के इन गीतों में भी सभी रसों का समायोजन होता है। रसों से सराबोर गीतों में यमुना का जिक्र है, हंसी ठिठोली है, ढोल मजीरे हैं, स्वांग है, विरा है, भक्ति है। रंग बरसे वैसे तो उत्तराखंड की गढ़वाली होली पूरे देश में जैसे होली मनाई जाती है वैसे ही है, लेकिन कुछ जगह ऐसे भी है जहां कुमाऊं के होली की तरह गढ़वाल क्षेत्र में भी खड़ी होली मनाई जाती है, जिसमें सफेद कपड़े का एक झंडा बनाया जाता है जिसे होलिका कहा जाता है। बच्चों और पुरुषों की टोलियां होली के कुछ दिन पहले से गांव-गांव घर-घर जाकर झंडे के चारों ओर घूमकर होली के लोकगीत लगाते हैं। लोगों द्वारा इन टोलियों को भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन से ये टोलियां खड़ी होली खेलना प्रारंभ करती है उस दिन से इन्हें अपने घर से अलग ही रहना पड़ता है, जब तक कि होलिका दहन वाले दिन झंडे को जला नहीं दिया जाता है। एक दूसरे को गुलाल लगा के उसे होली की बधाई देते हैं और ये कामना करते हैं कि भाई कि हम सब लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे के साथ में एक दूसरे से जो भी मतलब ये कि हमारा गिला शिकवा हो इस होली के मौके पे वो गिला शिकवा सारा खत्म हो जाए और हमारे बीच में दोस्ताना व्यवहार हो। देवभूमि उत्तराखंड में होली का त्योहार बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मिलन के इस त्योहार के दिन सारे मन मुटाव भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाया जाता है और होली की शुभकामनाएं दी जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी को न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक अबाद अली, भारतीय किसान यूनियन, किसान प्रदेश अध्यक्ष, ग्राम खुबनपुर, तहसील भगवानपुर, उत्तराखंड। सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक मोहम्मद खालिद, युवा कांग्रेस नेता, ग्राम सिरचंदी, तहसील भगवानपुर, उत्तराखंड। रंग बरसे